गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 3 का मैं आज आपको प्रश्न नंबर 5 कराऊंगा। प्रश्न नंबर 5 की इबारत पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 5 में 519.92 रुपये तथा कक्षा 4 में 357.58 रुपये शुल्क रुपये प्राप्त हुआ। दोनों कक्षाओं में कुल कितना धन प्राप्त हुआ? तो इसकी इबारत बनाएंगे हम, कक्षा 5 में शुल्क प्राप्त हुआ बराबर 519.92 रुपये। पॉइंट के बाद हमेशा एक एक संख्या ही बोलती है, हम इसे बाण में नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद 92 या कुछ भी होगा तो वो संख्या अलग अलग बोलेगी। इसी प्रकार कक्षा 4 में शुल्क प्राप्त हुआ 357.58 रुपये। दोनों कक्षाओं में कुल शुल्क प्राप्त हुआ तो योग कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ का सवाल है। जोड़ के बाद हम लिखेंगे 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 9 और 5 14 रेखा से कितने हो गए 15, 15 और 5 की हासिल लगी 1। अब पॉइंट आ रही तो पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जो एक हासिल इधर जोड़ेंगे 7 और 9 16 और 1 17, 17 का 7 की हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल कितने हो गए 7, उसके बाद 5 और 3 8 यानी कि 877 रुपये और 50 पैसे या कह सकते हैं 870.50 रुपये। ठीक है बेटे, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नम्रता के पास 500 रुपये थे, कितने रुपये थे 500 रुपये, प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। अब उसके पास 143.28 रुपये शेष बचे, बताइए उसने कुल कितना धन खर्च किया। तो जो उसके पास शेष बचे हैं वो पॉइंट में बचे हैं, इसलिए हम 500 को भी पॉइंट में लिखेंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने का। नम्रता के पास थे 500.00 रुपये, एक ही बात है, ये घबराने की बात नहीं। माइंड में ना सोचो कि पॉइंट क्यों लगा सर ने, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है वो पॉइंट में है, इसलिए हम पॉइंट में इक्वल करने के लिए पॉइंट लगाया। उसके पास शेष बचे कितने बचे 143.28 रुपये। ठीक है बेटे, नम्रता ने खर्च किए कितने किए, घटा के पता लगेगा कितने खर्च किए, तो माइनस का चिन्ह लगे, अब घटा देंगे। अब दहाई हम यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक, इसी प्रकार यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ भी क्या लगेगी पॉइंट। ठीक है बेटे, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 356.72 रुपये जिसके पास शेष बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7। एक सेब का दाम, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक सेब का दाम 1.54 रुपये है, दो दर्जन सेबों का दाम ज्ञात करने, दर्जन दे दिया, तो पहले हम दर्जन को ओपन करते हैं, दर्जन होता क्या है। तो एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, वस्तु इसलिए बोला क्योंकि कुछ भी हो सकती है वस्तु, तो दो दर्जन बराबर 12 गुना 2 12 दूनी 24 वस्तुएं, ये मैंने दर्जन बता दिया, दर्जन में कितनी वस्तु होते हैं। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। एक सेब का दाम बराबर 1.54 रुपये, तो हमें दो दर्जन ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया 24 सेब, क्योंकि ओपन कर दिया उसने, वस्तु क्या आपकी सेब है, तो यहाँ 24 सेब का दाम होगा बराबर 1.54 गुना 24 रुपये। ठीक बेटे, अब हम 1.54 गुणा 24 करेंगे, तो 24 करने के बाद जो भी आएगा 4 का 6 का हासिल लगी 1 और 4 पंजे 20 और 1 21 का हासिल लगी 2 4 एकम 4 और 2 6। इसमें जहाँ भी हम गुणा करते हैं कोई पॉइंट नहीं लगती, पॉइंट बाद में लगती है, तो 2 चौक 8 2 पंजे 10 10 की 0 हासिल लगी 1 2 एकम 2 और 1 3। अब हम इसे ऐड करेंगे 6 का 6 8 और 1 9 6 का 6 3 का 3, अब कितने अंकों बाद पॉइंट है 1 2, तो 2 अंकों बाद हम आंसर में पॉइंट लगाएंगे 1 2, 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दी, तो कितने के हुए 2 दर्जन, यानी कि 24 सेब का जो दाम है वो 36 रुपये 96 पैसे या कहिए 36.96 रुपये। थैंक यू।